नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में वायुसेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 7 सैन्य कर्मियों की मौत। शांति का नोबेल पुरस्कार। स्वयंसेवी संगठन ICAN को परमाणु हथियारों के खिलाफ अभियान चलाती है यह संस्था। नोटबंदी के दौरान 5,800 संदिग्ध कंपनियों के जरिए हुआ अरबों रुपए का खेल। 13,000 से अधिक खातों के माध्यम से बदले गए पुराने नोट। अब PPF, राष्ट्रीय बचत पत्र तथा किसान विकास पत्र में निवेश के लिए भी आधार नंबर जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुलह के आधार पर जघन्य मामलों में आपराधिक कार्रवाई निरस्त नहीं हो सकती। मोदी सरकार को मिला विश्व बैंक का साथ। कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था जल्दी ही मंदी से उबरने में सफल होगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का आरोप, मोदी राज में हुई देश की अर्थव्यवस्था चौपट। CBI कार्यालय पहुंचने से पहले राजद अध्यक्ष लालू यादव ने कहा, सच और गुलाब सदा कांटों से घिरे रहते हैं, सांच को आंच नहीं। वृंदावन जा रहे संघ प्रमुख के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराई, एक वाहन का टायर फटने से हुआ हादसा। अब पाकिस्तान की राजनीति में शामिल होंगे आतंकवादी। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी पाक सेना की योजना की पुष्टि की। मध्य अमेरिका में नेट तूफान से तबाही, 12 लोगों की मौत, हजारों बेघर हुए। रूस में बस और ट्रेन की टक्कर में 19 लोगों की मौत। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।